वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि आधी छत थी, लेकिन अब आधी छत भी नहीं रह गई, वो भी उतार दी गई है हमने। हमने हमसायों से पूछा था कि हम वो ऊपर बेल सीधी ले जाएं, उन्होंने कहा कि अभी ठहर जाएं, अभी हमने ऊपर और दीवार खड़ी करनी है। वो सामने जो पीछे हमारे दीवार है वो कहना कि अभी हमने और पहले तो छत थी, उसी वजह से बेल रुकी पड़ी थी। अब तो इसको धूप लगती है कि छोटा सा अब पौधा निकलना शुरू हो गया है। अब धूप लगती है तो पौधे निकलने शुरू हो गए। एक ये रहा यहाँ पर, ये बेल नीचे गिरती जा रही है, बस इसको अभी स्टॉप करते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कि हम जो छोटी बेल है वो यहाँ से नीचे गिरी थी तो मुर्गियों ने ठूँगे मार मार के ये बेल तोड़ दी थी। दो तीन दिन हो गए ये बेल यहीं खड़ी की है, लेकिन अभी तक इसकी जड़ें नहीं बनी नीचे और ये हरा भरा नहीं हो रही, इस पर पत्ते नहीं निकले। और ये रोज़ाना मुर्गियाँ यहाँ खड्डा कर देती हैं, फिर उस दोबारा यहाँ मिट्टी डालनी पड़ती है। और मैं आज बाग गया था तो मैं घास लाया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लाया हूँ घास। आज का सरप्राइज़ आपका, अभी आपको सरप्राइज़ भी दिखाते हैं। और अभी मैंने यहाँ सारी सफाई की थी यहाँ नीचे जगह की, और इनकी सेटिंग कर दी थी। अभी मुर्गों को भी इनका दोपहर का खाना डालते हैं पहले, अभी इनको डालते हैं। आ जाओ, मुर्गा तो आ गया खाने के लिए, मुर्गी खाने लग गई है। ये एक और मुर्गी आ गई है खाने। ये हमारी असील मुर्गी जो है ये बीमार हो गई थी, और फिर हमने इसको इंजेक्शन भी लगवाया। अब चलो इसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई है, और ये हमारे सारे मुर्गे यहाँ दाना पानी दाना खा रहे हैं। बंद कर दी, और अब आपको सरप्राइज़ दिखाते हैं जिसके लिए हम घास लेकर आए हैं। हम ये रैबिट्स लेकर आए हैं टू, और अभी इनको बाहर निकालते हैं। यहाँ बैठे हुए हैं बेबी बनीज हैं, बनीज एक बार आ गया है, और अब दूसरे को पकड़ते हैं। ये दो बड़े भाई हैं, ये दो बाहर आ गए हैं। ये पेयर है पड़ा, और अभी हमारा दिल बाहर, और ये हमारी असीन मुर्गी धूप से ये आंखें बंद की हुई हैं उसने। उसको पता ही नहीं लगा हमने आके उसको पकड़ भी लिया है, वो आराम से बैठी हुई थी। आई है हाँ अब, और ये जो हमारी छोटी देसी है ये सुबह से शोर मचा रही है, शायद अंडा देना हो। इन्होंने रैबिट्स की डाइट पर हमला कर दिया, भागो भागो, ये इसने अंडा देना है, तो ये बार बार उधर जा रही है। और ये ग्रे वाली ने तो सुबह अंडा दिया था, और ये इनके लिए हमने हल्दी वाला पानी और अंदर रोटी डाल रखी है, और ये खाते भी हैं। बहुत सारी रोटी थी, तीन चार रोटियां थी, तो एक आधी रोटी मैंने थोड़ा सा घास निकाल ली, और अब इनको घास खिलाते हैं, और ये मेरे हाथों से घास भी खाते हैं। दूसरे वाले को पता नहीं है तो वो अभी तक आया नहीं। आ जाओ, ये भी आ गया। इनमें से ये जो ये मेल है पड़ा, और ये है ये देखिए मोटा मोटा मेल है पड़ा गुस्से वाला, और ये फीमेल है, इतने मासूम से हैं। और ये मेल है और ये फीमेल है, और इतने क्यूट से हैं, आराम से घास खाई जा रहा है। ये हैं भी रेड आइज, ये देखिए बहुत मासूम से हैं। जिस दिन धूप निकलेगी तो उस दिन इनको निलाएंगे और ये फ्रेश हो जाएंगे उस दिन। अब ये घास खाते रहेंगे, और मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। हमने इस जगह को सारा खाली कर दी थी खुदी, फिर उसके अंदर दोबारा से हमने सारी मिट्टी, इस टाइम तो अब ये इतनी एक फुल होगी मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी है इस खुदी में। और ये दाना भी खाते हैं, इनको दाना भी डाला है, और ये देखें इनके लिए हमने यहाँ पानी का सिस्टम, और वो इनके लिए वो जगह उनके नुक्कर में, वहाँ वो अंदर छुप जाते हैं जाके। इनको हमने अपनी कैरी में भी छोड़ा था, और इन्होंने जगह खोलना शुरू कर दी थी, तो हमने उस जगह को लेवल करके इसको दोबारा भर दिया, और यहाँ ऊपर
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।